ऋषभ पंत, हर्षित राणा, शिखर धवन, ईशांत शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे दिल्ली प्रीमियर लीग में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे एक और नई प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका है जिसे DDCA के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा एक बहुत ही अहम लीग होगी ये साबित, क्योंकि इसमें इंडिया टीम जो सीनियर टीम है और साथ ही साथ IPL के बहुत सारे खिलाड़ी और कुछ उभरते हुए खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनेंगे। और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो भारत के पूर्व तूफानी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मेंस और वुमेन्स के साथ ये दो ग्रुप में बांटा गया है, पहली बार हो रहा है, लेकिन पहली ही बार में टूर्नामेंट ये छा जाएगा। 6 टीमें होंगी मेंस की और 4 टीमें होंगी वुमेन्स की यानी महिलाओं की। कुल 40 मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें 33 मैच जो है वो पुरुष टीम के रहेंगे और 7 मैच वुमेन्स टीम के रहेंगे। दोस्तों भारत के हर एक स्टेट से लीग होती है, लेकिन कुछ ज्यादा फेमस है, कुछ ज्यादा ही एक प्रकार से कह सकते हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू है। लेकिन ऐसे में एक बहुत ही बड़ा बोर्ड जिसे हम DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड कहते हैं, दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा बोर्ड कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं इंडियन टीम को, IPL को, और मैं समझता हूं कि इस लीग से बहुत सारे खिलाड़ी निकल के भी आएंगे। 6 टीमों में से आप देखें तो पुरानी दिल्ली जो दिल्ली 6 के नाम से एक टीम है जिसमें पंत नजर आएंगे, ईशांत शर्मा नजर आएंगे और साथ ही साथ एक और टीम में मयंक यादव तेज गेंदबाज नजर आएंगे। आपने देखा होगा 2 मैच खेला और 2 मैच में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लिया था लखनऊ सुपर जॉइंट के लिए। वहां पर अगर देखें बात करें तो IPL में नवदीप सैनी, हर्षित राणा जो इस समय भारतीय टीम का हिस्सा है और श्रीलंकाई दौरों पे बने हैं, सूर्य शर्मा, अनुज रावत जो कि RCB के विकेट कीपर बल्लेबाज है, ऋतिक शौकीन पूर्व मुंबई के गेंदबाज और इस समय भी IPL में खेल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आयुष बदोनी है जो कि लखनऊ के लिए खेलते हैं, ये नजर आएंगे दिल्ली प्रीमियर लीग में। तो उभरते हुए खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच और मैं समझता हूं कि अपने आप में एक नायाब तोहफा देने जा रही है ये DDCA दिल्ली के युवाओं को जो खेल में क्रिकेट में बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं। टूर्नामेंट 17 अगस्त से 8 सितंबर तक खेला जाएगा। सभी मैच जो होंगे नई दिल्ली के इंटरनेशनल स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेट का मैदान है जहां पे IPL के साथ टेस्ट और वनडे मैच होते हैं। और बकायदा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो एक अच्छी तरीके से बजट के साथ ये प्लान किया गया है। और दोस्तों मैं समझता हूं कि अगर आप देखें तो हर एक स्टेट की तो लीग होती है, लेकिन कुछ लीग छा जाती है। आप कह सकते हैं कि मुंबई प्रीमियर लीग जो होता है उसमें से शिवम दुबे निकल के आए, उसी लीग का वो हिस्सा थे। कर्नाटका प्रीमियर लीग जिसे आप महाराजा प्रीमियर लीग कहा जाता है, जिसमें कृष्णप्पा गौतम और साउथ के बहुत सारे खिलाड़ी निकल के आए। TNPL तमिलनाडु प्रीमियर लीग जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी IPL में खेलते हैं और IPL के बाद देश के लिए खेलते हैं। और मैं समझता हूं UP प्रीमियर लीग का भी दूसरा सीजन इसी महीने शुरू हो रहा है, तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन है और ऐसे में बहुत सारे खिलाड़ी IPL और देश के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है जरूर हमें बताइएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।